फूल कांटों के बीच में, ऐसा ना हो पकड़ने के चक्कर में हाथे लोग। अब जब हम तुम लोग भैया क्रिकेट मैच देखा थे तो कहा था कि देखो फलाने बकता बहुत जोर से मारा, छक्का मारा, चौका मारा, यूं ज्यादा रन बना रहा, यही जीती। देखा तो सट्टा सट्टा मार रहा। वैसन भैया हर क्षेत्र में रन का मतलब होती है, जो जितना रन बनावती है वही बकदा जीतती है। वैसे राजनीति के फील्ड में जी का भैया अपना अलग अंदाज होती है, वही बकदा भैया देखे मिलती है, वही लोग सुनना पसंद करती हैं। वैसे बाराबंकी की राजनीति में देखती हो, संन्यास लिए के बावजूद रंजीत भाव शास्त्र जी का अपना अलग फील्ड बन गया है और अपना अलग जलवा देखने को मिल रहा है। फूल और कांटे का मतलब बता रहे थे, नामांकन से पहले भैया बहुत ज्ञान की बात बता रहे थे, हम गलत तरीका आपका बता दी कि देखती हो वक्त के साथ जौन भैया अपना फील्ड बदल ले और पूरी भैया तैयारी के साथ देखा तो अपना जलवा दिखा दे, वही तो रंजीत बहादुर कहलावत है। तनिक सुनो भैया बहुत कायदेक बात बताओ, रहा तनिक कायदेक बात की पूछो ना भैया, एक बार सुन लो जरा, तनिक से सुन लो तुमको मजा आए जी है। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी के साथ, आप पीठाधीशर हो गए हैं। श्रीवास्तव जी ये बताइए, अभी आपके दो बार आया कि फिर से राजनीति से संन्यास ले लिया हूँ मैं, लेकिन आज तो सन्यासी ही राजनीति कर रहे हैं, इसका क्या मतलब बताइए? राजनीति दोहरे चरित्र में है। कैसे? देखिए एक उदाहरण ले लीजिए जी, बच्चा जब गर्भ में होता है जी तो उसकी सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से भगवान ने एक आवरण के रूप में उसको जेली से ढक दिया हुआ है। जेली आवरण सुरक्षा कवच आवरण से ढक दिया है जी। वो परिपक्व होकर 9 महीने के बाद निकलता है जी। आज की राजनीति में जैसे ही ये भ्रूण, अब इसको राजनीति का गर्व कर लीजिए या समाज का गर्व कर लीजिए, जैसे ही गर्भ में आता है और ये पता चलता है कि अब ये ठहर गया है, अब यही पैदा होने वाला है, तो इसको भी सामाजिक जेली, ये प्राकृतिक नहीं है, सामाजिक जेली इसको ढक लेती है। अब इस जेली का रूप हम बताते हैं, धनवानों की जेली, असरदारों की जेली, अवसरवादियों की जेली, संगठन की जेली तो चढ़ी होती होती है, नेताओं की जेली स्वाभाविक तौर पर होती है जी। तो ये जेली इसको घेर लेती है, लेकिन इसको बाहर, जेली से बाहर निकलने का अवसर ठीक 5 साल के बाद प्राप्त होता है। अब ये जब 5 साल के बाद निकलता है जी, तो ये स्वयं में भी ठगा हुआ होता है, ये लंबा समय कष्ट भोग करके निकलता है, ये सुखी नहीं रहता है, ये अपने आप में घुटता रहता है 5 साल तक। और क्यों घुटता रहता है? ये अवसरवादी, ये धन वाले, धन पिपासु, ये इनके दबाव में घुटता है। और जब निकलता है, जब 5 साल के बाद निकलता है, तब जनता भी पूछती है, जो इसकी जनक है, कि कहां थे आप 5 साल के बाद दर्शन दे रहे हो? ये राजनीति का दोहरा चरित्र है। अब राजनीति के दोहरे चरित्र के बारे में इन्होंने तो पूरी पोलपट्टी खोल के रख दी और जनता को आत्मज्ञान दे दिया। इनका नाम तो सन्यासी बहादुर होना चाहिए, लेकिन यही नहीं भैया, आगे ये बता रहे थे जब इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि देखिए आजकल राजनीति के चक्कर में लोग धर्म बदल लेते हैं, तो उनका क्या जवाब दिया, यहूँ सुन लो। वर्तमान राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग धर्म भी बदल रहे हैं, दल भी बदल रहे हैं, ऐसी चीजों पर क्या कहेंगे आप? इसके लिए भगवान को स्वयं कहना पड़ गया था, स्वधर्मे निधनम सेया पर धर्मे भयावह। और 18वें अध्याय में 47वें श्लोक में विगुणा शब्द आ गया इसी स्वधर्म पर। अब इसका अर्थ मैं बताता हूं कि अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ कर है, दूसरे का धर्म बड़ा भय है। और ये 18वां अध्याय जो कहता है तो वो कहता है कि गुण रहित भी अगर अपना धर्म है तो भी श्रेष्ठ कर है, दूसरे के आचरण से किए गए अच्छे धर्म के बनिस्पत। मेरा संदेश भी है
और मेरा मानना भी है कि जिस धर्म में हो धर्मांतरण मत करो। ये राजनैतिक धर्म है, ये जाति धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप जिस धर्म में हो, जिस धर्म को आपने अपने स्वभाव से स्वीकार कर लिया है, उसी धर्म में आपको अपना जीवन देना चाहिए। पर धर्म बड़ा भयावह है, दूसरे का धर्म बड़ा भयानक होता है। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे ये सनातन धर्म वालों का जो फूल है इस समय कांटे पर है, इसका क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भगवान का प्रकृति का नियम है। ये जो हाथ है ना, इसे बड़ा संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि फूल कांटों के बीच में है। इसे पकड़ना बड़ा मुसीबत का काम हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो पकड़ने के चक्कर में हाथे लहूलुहान हो जाए। अब या तो भैया इनडायरेक्टली लगा था कोई पड़ताल जी कस रहे थे, बताओ तो रहे कि हाथ का भैया ज्यादा दिक्कत हो जाती है, वह तो लहूलुहान हो जाते फूल और कांटे के चक्कर में। बताओ भैया, बाकी आगे सुनो। राजनीति धर्म तो आपने बता दिया, पब्लिक के लिए क्या कहेंगे? थोड़ा कंफ्यूज लग रही। देखिए, जनता जिसे आपने पब्लिक कहा है, अगर मेरा ये साधे मंत्र को स्वीकार कर ले, ममेत दुखम न ममेत सुखम, मेरा यही दुख है, मान लेना चाहिए मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा है, ये मेरा दुख है, ये शरीर मेरा नहीं है, परम सुख है। आज की तारीख में ये पर्दा उठा लीजिए, आप चाहे जिसके साथ हैं उसको मेरा कहना बंद कर दीजिए। तो ये जो राजनीतिक दलों को आशीर्वाद कैसे देंगे आप? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निराम है, हमारे लिए तो सभी सुखी रहे। अब या तो सबका देखा दी भाई आत्मज्ञान बाढ़ दिन, हम कहना तो नहीं आपका बता दी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शंबा साहजी घोड़ी सफर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी भैया फूल और कांटे वाला ज्ञान कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा।